अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने मात्र 63 गेंद में शतक जड़कर रिकॉर्ड की झड़ी लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा मात्र 63 गेंद में शतक जड़कर रिकॉर्ड की झड़ी लगा दिया है वर्ल्ड कप के इतिहास में। तो चलिए जानते हैं रोहित शर्मा ने आखिर कौन कौन से रिकॉर्ड बनाया है, कितने सारे रिकॉर्ड की झड़ी लगाया है, तो चलिए जानते हैं। तो पहला रिकॉर्ड रोहित शर्मा का ये है कि मात्र 63 गेंद में वर्ल्ड कप के इतिहास में सेंचुरी लगा दिया है, जो फास्टेस्ट वर्ल्ड कप के इतिहास में सेंचुरी है। 63 गेंद में रोहित शर्मा ने शतक पूरा किया और ये फास्टेस्ट वर्ल्ड कप का ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक है। रोहित शर्मा से पहले वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय जो थे वो कपिल देव थे। कपिल देव ने 72 गेंद में सेंचुरी लगाया था। इससे पहले कपिल देव थे, लेकिन अब रोहित शर्मा हो चुके हैं सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाज। और दूसरा रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज हो गया है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगा दिए है, यानी कि शतक सबसे ज्यादा रोहित शर्मा के नाम हो गया है। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के इतिहास में, ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में 7 सेंचुरी लगा चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। सचिन तेंदुलकर 44 इनिंग में 6 सेंचुरी लगाए थे, लेकिन रोहित शर्मा मात्र 19 इनिंग में 7 सेंचुरी लगा दिए हैं। और अभी रोहित शर्मा को तो बहुत मैच खेलना बाकी है, तो शायद रोहित शर्मा और शतक लगा सकते हैं। तो ये दूसरा रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज हो गया है। और अगला रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज हो गया है, ओडीआई में सेंचुरी जड़ने वाले अब सब तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे ज्यादा ओडीआई में सेंचुरी जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले जो है सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, और तीसरे बल्लेबाज अब रोहित शर्मा हो गए। सचिन तेंदुलकर के नाम 49 शतक है और विराट कोहली के नाम 47 शतक है। अब जो है रोहित शर्मा के नाम जो है 31 शतक हो चुका है। और इसके बाद जो अगला रिकॉर्ड है, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले वर्ल्ड कप के इतिहास में खिलाड़ी बन गए हैं। और अगला रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने जो दर्ज किया है, आईसीसी व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्का मारने के मामले में दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। सबसे ज्यादा व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में जो है सबसे ज्यादा छक्का मारने का जो है रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास है। 127 छक्का जो है क्रिस गेल लगा चुके हैं और रोहित शर्मा 70 छक्का लगाकर दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। और अगला रिकॉर्ड ने जो रोहित शर्मा दर्ज किया है, इंटरनेशनल मैच में इनिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा ने 473 इनिंग में 554 छक्के जड़ दिए। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है क्रिस गेल के पास था। क्रिस गेल 551 इनिंग में 553 छक्के मारे थे। तो ये रिकॉर्ड अब जो है पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा के इस मुकाबले के बात करें, यानी कि अफगानिस्तान के खिलाफ के मुकाबले के बात करें, तो रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में मात्र 84 गेंद में 16 चौके और 5 छक्के की मदद से 131 रन के पारी खेला है।